Hey guys, welcome back to my YouTube channel Rashad Vlogs. तो सरप्राइज हुआ ख़त्म, थंबनेल और टाइटल्स आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है सरप्राइज. यस, आई एम गोइंग टू टेक डिलीवरी ऑफ माय बेनेली TRK 502X. वाकई मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है. तो मैं इधर लखनऊ आ गया था, कल रात में ही हम लोग आ गए थे, रात में 9 बजे तक आ गए थे. मैं बहुत एक्साइटेड था, कल से सोच रहा था व्लॉग अपलोड कर दूं, लेकिन मैं कहा कि ना अब डायरेक्ट सरप्राइज देंगे. तो अभी हम लोग उधर ही डिलीवरी लेने जा रहे हैं. तो अभी जो टाइम 2:50 हो रहा है, और कसम से मैं अब गाड़ी पहुंच के दिखाऊंगा क्या लग रही है. तो लिटरली गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी ने वो शोरूम से मुझे फ़ोटो सेंड किया था, मैं तो पागल हो रहा था ऐसे फ़ोटो में, और रियल में तो और ज़्यादा ख़तरनाक होगी. तो मैं अभी टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट उधर मिलता हूँ आपको शोरूम में. कॉल पे कॉल आ रहा है यार, तो मैं आपको डायरेक्ट शोरूम में मिलता हूँ. ठीक है, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन बेनेली शोरूम. होए, अरे यार फॉग अपना हो जाए. मैं एसी में से आ रहा हूँ ना, तो लेंस पे जो है फॉग जम गया है. तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इधर बेनेली तेलीपुलिया, और सामने अपनी गाड़ी खड़ी है. वो मैं अभी दिखाऊँगा नहीं आपको, थोड़ी देर बाद वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा. तो बस डिलीवरी कुछ देर बाद मिल जाएगी. तो अभी मैं अंदर यहाँ शोरूम में बैठा हूँ, और मेरी गाड़ी सारी चेक वगैरह हो गई है. एंड ये कि मैं जैसे ही अंदर आया, मेरा कैमरा गिर गया. वो तो अल्लाह का शुक्र से कुछ टूटा नहीं, इसमें मीडियम मोड लगा हुआ है तो कुछ हुआ नहीं. बाकी अभी गाड़ी रेडी हो जाएगी तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ. और मैं अभी यहाँ पे बस कोई नहीं आया, मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ आया हूँ, तो वो लोग भी इधर बैठ के पानी शानी चल रहा है अपना. तो अभी जैसे ही गाड़ी रेडी हो जाएगी तो मैं आपको फ़ौरन दिखाता हूँ. लिटरली गाइस, में मुझसे मतलब इंतज़ार नहीं हो रहा है कि जल्दी मैं आप लोगों को दिखा दूँ. इस टाइम मैं यही बेनेली शोरूम में हूँ, और उधर मैं दिखा देता हूँ. तो खड़ी है आगे वाइट कलर की अपनी TRK 502X. तो अभी पेपर वर्क्स कुछ हो रहे हैं, बाकी गाड़ी रेडी हो गई. जी, गाड़ी रेडी हो गई है, कुछ पेपर वर्क्स होने बाकी हैं, तो वो हो जाएंगे. तो फिर मिलते हैं आपसे. सब्र समझ में नहीं आ रहा है, बस सारी चीज़ें रेडी हैं, क्या रह गया है, इनवॉइस प्रिंट होना है, फिर रेस्ट अमाउंट जो है वो करना है. समझ जाओ, रेस्ट अमाउंट मुझे और देना है. तो इनवॉइस आ रहा है, बाकी पैनियर स्टॉप बॉक्स क्या एक नंबर फाड़ू लग रही है वीडियो. मतलब क्या बताऊँ, जितनी तारीफ़ करूँ कम है. और लिटरली मतलब कैमरा विल नॉट डू द जस्टिस, जैसा तगड़ा मतलब लुक आ रहा है ना रियल में, आप कैमरे में वो चीज़ नहीं आएगा. क्योंकि मैंने वाकई में जब फ़ोटो देखा था कैमरे में देखा, फिर मैं रियल में देख रहा हूँ, और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इधर देख रहा हूँ. मैंने बैंगलोर में देखी थी वो, जब मैं हिंट दे रहा था आप लोग कि बैंगलोर में फ़र्स्ट टाइम देखा था. तो बैंगलोर में जब मैंने देखी थी तो वो BS4 थी या कौन सी थी वो मुझे नहीं पता, 2018 में देखी थी. बट ये जो है BS6 है, और इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं. तो इसका लुक जो है बिल्कुल कातिलाना, इतना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, वो अभी आप लोग कुछ देर में पता लग जाएगा. बने रहे वीडियो में, भगा के मत देखना, ये नहीं कि खटखट फॉरवर्ड कर दूँ, लगातार पूरी वीडियो आराम से देखो. अभी इधर अपना पेपर वर्क चल रहा है, मुझे कुछ सिग्नेचर वगैरह करने थे तो उधर ही अपना काम चल रहा है. सामने अपने हिमांशु भाई, उन्होंने बहुत हेल्प की अपनी. और अभी मेन अली भाई भी हैं, अली भाई थोड़ा अंदर वो अपना कुछ काम कर रहे हैं, वो आएंगे तो उनसे भी मिलवाता हूँ आपको. तो क्या करना है मंशु भाई, बता दीजिए. अच्छा, कितना और डिफरेंस रह गया? काफ़ी लेट हो गया अभी, इससे पहले जो आपने वीडियो देखी थी उसके बाद मतलब कुछ पेपर वर्क में टाइम लग रहे थे, तो हम लोग को हुआ कि खाना खा के आ जाते हैं. तो अभी हम लोग लंच वगैरह करके आए, तो अपना पेपर इधर रेडी है. इधर हिमांशु भाई हैं, सामने अली भाई विटामिन एम लेते हुए. अली भाई ने बहुत हेल्प की अपनी. आप लोग किसी को भी आना है बेनेली में तो अली भाई मिल जाएंगे आपको. और बाकी इधर अपना पेपर का काम चल रहा है. क्या करना है भाई? अब मैं बस साइन हो गया, साइन कर क्या क्या अली भाई, आपका ये इनवॉइस इंश्योरेंस है, ये इनवॉइस है आपको, मैं फ्रेश भेजूंगा बाहर. ठीक, और इसमें इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस है आपका, और वो वाला जो आप मेन पेपर बोल रहे थे ये आप रखिए, ये मेरा मेन जान से बढ़कर. और ये पेपर हमारा जान से बढ़ के है, ये डायरेक्ट इटली से आता है. ठीक है, अब अच्छा ये डायरेक्ट जो है कंपनी से निकल के आता है ये पेपर, सब चीज़ खो जाए बट ये ना खो जाए, वरना बाइक आपकी गई. इसी में डाल दीजिए, मैं लग कर फोन लग गया. ये ऐसे बार में या बैग कर दीजिए.
एनएसएस है और वो क्या कहते हैं उसको इंश्योरेंस एंड कुछ और जो मेन पेपर्स था गाड़ी का वो है। तो अब इधर है अपनी गाड़ी सामने खड़ी, अब इसका घूंघट हटाने का टाइम आ गया। रेडी है, मेरी बाइक का कवर हटने वाला है और इधर सब चलो आ जाओ इधर चलो। बस अली भाई ये फ़ोन किसी को एक दो दे दीजिएगा। देख सकते हो हेयर्स द बाइक कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। तो इधर सारी चीज़ें हो चुकी है और मेरी ये गाड़ी निकलेगी बाहर। चलिए भाई ठीक है निकाल दीजिए। तो अब मैं गाड़ी वाली निकाल लेता हूँ, फिर मैं पागल हो रहा हूँ सच में खुशी से। तो यार जनरेटर की आवाज़ तो नहीं आ रही है। खैर इधर अपनी गाड़ी निकल रही है, अब गाड़ी पे मिलता हूँ आपसे। बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मैं इसको चलाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो क्या बात है, एक नंबर बॉस, एक नंबर क्या लग रही है। तो भाई देख लो आप लोग, सबसे पहले तो इसमें फ्यूल नहीं है तो इसका रिफ्यूल कराना होगा। और जो है इसके पैनियर जो है निकले हुए हैं और पहली बार मैं पैनियर के साथ चला रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे संभल के करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे अभी ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि कितने पैनियर्स कितने निकले हुए हैं साइड साइड से, लेफ़्ट और राइट साइड से। तो उसका मुझे आइडिया नहीं है और मैं अभी से भगा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे अभी मना किया गया है कि आप फर्स्ट सर्विस के बाद भगाना, अभी मत भगाना। तो मैं पहुंच गया हूँ टेढ़ी पुलिया। टेढ़ी पुलिया से जो आगे पेट्रोल पम्प आएगा मैं वहाँ पे रिफ्यूलिंग करा लूँगा। और वाकई में बॉस कसम से क्या लग रही है मैं बैठा हूँ ऐसा लग रहा है मैं पहाड़ पे बैठा हूँ, जो आपको फॉर्च्यूनर या एंडेवर में बैठने के बाद इसमें फीलिंग आती है इतनी हाइट पे बैठे हो, कसम से सेम फीलिंग आ रही है इस पे भी, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना ही है 220 mm। और मैं इससे बहुत ज़्यादा नाचने की कोशिश नहीं करूँगा इधर उधर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी नई नई है और कहीं लग जाए। और लिटरली मेरे कसम से पैर ज़मीन पे, मतलब आई एम 6 feet, वो ये बंद हो गई थी, मेरे पैर बहुत अच्छी से नहीं आ रहे, मुझे भी थोड़ा सा पैर अपना उठाना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है इतना मैनेजेबल है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'10" से कम है तो आप नहीं चला पाओगे इसको। और इसका पावर तो बहुत गजब है, मतलब बहुत देख के मुझे हल्का सा थ्रॉटल कर रहा हूँ और गाड़ी जो है उड़ जा रही है। तो सबसे पहले मैं पेट्रोल पंप को ही आता है वहाँ पे रोकता हूँ और मैं बहुत भगाऊंगा नहीं ओए होए ओए होए क्या बात है, एक नंबर वॉस, क्या भाग रही है, लेकिन कंट्रोल रशाद कंट्रोल। ओए अंकल मरना है क्या अंकल, देख नहीं रहे सामने से आती आ रहा है। जल्दी से पेट्रोल पंप पहुँच जाऊँ। बाकी इसका साउंड वगैरह ना बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल एक नंबर। तो ये है अपने राइट साइड में भारत पेट्रोलियम और हम यहाँ पे कराएंगे अपना रिफ्यूलिंग। तो अभी जो है 10 liter ले लेता हूँ मैं। तो अंकल मुझसे सारे सवाल जवाब कर रहे थे कि 1000 का दे दो भाई, कि कोई पीछे कैसे बैठेगा, ये डब्बे कैसे लगे हुए हैं जाहिर सी बात है कोई भी देखेगा अटपटा ऐसा लगे। हाँ भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट टाइम पेट्रोल, ये पकड़ लो भाई 1000 आप। तो अपना हो गया फ्यूल अप, सॉरी रिफ्यूलिंग, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने फ्लैट के लिए। और सबका यही सवाल है कि भाई ये डिब्बे क्यों लगवाए आपने, ये डिब्बे क्यों लगवाए आपने, गाड़ी कितनी की पड़ी।
तो सबसे यही बताते हुए चल रहा हूँ मैं कि डिब्बे भाई आप कहीं लंबी टूरिंग करते हो तो इस वजह से ये डिब्बे लगते हैं, इसको टॉप बॉक्स एंड पैनियर्स बोलते हैं। खैर अभी तो इन सारे क्वेश्चंस के मुझे बहुत लंबे वक्त तक आंसर देने पड़ेंगे और देखता हूँ कब तक लोगों के सवाल ये ख़त्म नहीं होंगे। जाहिर सी बात है नई चीज़ है तो जो भी देखेगा वो पूछेगा। ओहो कसम से यार इस मुंशी पुलिया के ट्रैफिक ने मुझे वाकई में रुला दिया। मैं इसमें कम से कम आधे घंटे से फंसा हुआ हूँ और गाड़ी हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। ये होता है कि हाँ भाई सिग्नल खुल रहा है फिर गाड़ियाँ आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, वो भी नहीं हो रहा है। हालत ख़राब हो गई मेरी, एक तो बाइक की हीट प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरे साथ जो भाई बहन ये पीछे आप लोग को क्रेटा दिख रही होगी इधर है सामने आराम से एसी में मज़े कर रहे हैं। आपका भाई इधर अकेला अरशाद देख लो आप लोग हालत कैसी हो रखी है मेरी। और अच्छा मेरे साथ अभी कन्फ्यूज़न क्या हुआ, आप ये देखो मीटर देखो माइल्स पर आर, मैं अभी कितना भी गाड़ी भगा रहा हूँ बहुत भगाया मैंने, 80 तक जा रही है, मैं कहा यार ये भाग क्यों नहीं रही है। तो अभी मैंने फिर देखा कि अभी माइल्स पर आर में सेट है ये मुझे किलोमीटर पर आर में सेट करना होगा। तो आप लोग 80 से कैलकुलेट कर लो, मैंने वहाँ तक भगाया फिर मैं कहा यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। फिर मैंने देखा ओहो ये तो माइल्स पर आर में सेट है, तो फिर अभी जाके मैं इसको घर सेट करूँगा। आप लोग इतनी लंबी ट्रैफिक एक भी गाड़ी नहीं चल रही, मैंने अपने बीच में गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दी। आप लोग देखो कितना आगे तक ट्रैफिक लगा हुआ है, कसम से हालत ख़राब हो गई। मैं आधे घंटे से फंसा हुआ हूँ, एक भी लाइन नहीं चल रही है, क्या कर सकते हैं। आप लोग देखो एक भी लाइन नहीं, पूरी ऐसे खड़ी हुई है लाइन से। ये है मुंशी पुलिया का हाल, इस साइड देखो पूरा भरा हुआ है, इधर पूरा भरा हुआ है, न जाने गाड़ियाँ कितनी पीछे तक होंगी। ये देखो न जाने कितनी पीछे तक होंगी गाड़ियाँ, उधर का पूरा खाली है मेरे उस साइड का, बट ये देखो पूरा भरा हुआ है। मैं बीच में ऐसे मैंने बाइक खड़ी कर दी है और टहल क्या करूं। कसम से यार एक घंटे हो गए यहाँ पे खड़े खड़े मुझे, और अजीब यहाँ का हाल है। ये देखो आप ट्रैफिक लाइट भी ग्रीन है, सारी ग्रीन हो जा रही है, अभी जो लेफ्ट दे रहा है अभी टोटल तीनों ग्रीन हो जा रहा है तब भी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। पता नहीं आगे क्या सिस्टम है, एक इनसे हल्का सा ट्रैफिक वो नहीं देखा जा रहा है। पीछे यार किसी को भी इमरजेंसी हो सकती है, इधर पीछे कब से एम्बुलेंस हॉर्न सायरन मारे जा रहा है एम्बुलेंस वाला। तो यार इतना तो देखना चाहिए कि हाँ इतनी ज़्यादा रश ना हो सके, कम से कम ये 3 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक है, मैं एक घंटे से पिछले एक घंटे से फंसा हुआ हूँ इधर, हालत ख़राब हो गई। क्या कर सकते हैं, अब इसी में जाना है अपना, कभी गाड़ी रोक के खड़े हो जा रहे हैं कभी धीरे धीरे चल रहे हैं, मुश्किल से 100 मीटर्स भी नहीं होंगे इसमें मैं आधे घंटे से फंसा हुआ। बाकी सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड शालीमार वन वर्ल्ड। कसम से यार हालत ख़राब कर दी इस ट्रैफिक ने, इधर आप लोग देख लो शालीमार। लेकिन गाड़ी की खुशी में बिल्कुल थकान का मुझे एहसास नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग मेरी खुशी नहीं समझ सकते हो, मैं इस वक्त खुशी से वाकई में पागल हो रहा हूँ। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं शालीमार वन वर्ल्ड और मैं तो काफ़ी परेशान हूँ, मैं कब जाऊँगा, कब वीडियो एडिट करूँगा एंड कब अपलोड करूँगा। अब वीडियो जो है बहुत ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं करूँगा, बस नॉर्मली वीडियो जो है एडिट करके अपलोड कर दूँगा, ये नहीं कि स्लो मोशन घुसाऊँ म्यूज़िक घुसाऊँ, तो वो सब नहीं करने वाला मैं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे आज एनी हाउ वीडियो जो है अपलोड करनी है। तो जल्दी से पहुंचते हैं घर और मेरे ख़्याल से 10 से 11 बज जाएगा, क्योंकि अभी मुझे एयरपोर्ट जाना है कुछ काम से, तो मेरे ख़्याल से 11 बज जाएगा। तो 11 बजे तक अगर वीडियो अपलोड हो गया तो भाई लोग लाइक ज़रूर ठोकना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी अभी मुझे, जाके थका हुआ हूँ आराम नहीं करना है
वीडियो अब एडिटिंग के लिए बैठ जाऊंगा। तो अभी सामने आ गया अपना घर, अब अंदर घुसते हैं तो थोड़ा सुकून मिले। बाकी गाड़ी तो एक नंबर चल रही है बॉस, क्या मज़ा आ गया, एक नंबर चला के। अब इससे लॉन्ग राइड में मज़ा आएगा। अपने पास पूरा है हथियार, टॉप बॉक्स विद पैनियर्स। तो जी पहुंच गए हैं अपने बिल्डिंग में हम लोग, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने फ्लैट पे। इधर है अपनी गाड़ी, एक बार आप लोग गाड़ी देख लो थोड़ा बहुत। बाकी मैं आपको गाड़ी की जो डिटेल, गाड़ी की आपको डिटेल वीडियो दूंगा वो बाद में दूंगा। अभी मुझे कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, अभी सबको आ रहा है ऊपर से, गाड़ी देखेंगे सबको। और तो अभी जो सरप्राइज़ था तो ये था सरप्राइज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मस्त लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने छोटे भाई को दुआ में ज़रूर याद रखें। और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने भाई के 1K जल्दी करा दो, 1K सून इंशाल्लाह जल्दी से अपना 1000 होने वाला है। तो दुआ करना, और सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये गाड़ी अपनी खड़ी है इधर। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।